एनिमल के जबरदस्त आइटम सॉन्ग की शूटिंग हुई कंप्लीट। बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन रणबीर के साथ लगाएगी ठुमके। संदीप रेड्डी वंगा के निर्देशन में बन रही फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना दिखाई देने वाले हैं। पहली बार ये दो बेहतरीन कलाकार एक साथ काम करने जा रहे हैं, जिस वजह से ये फिल्म लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। और आज हम आपको इसी बहुचर्चित फिल्म के सॉन्ग से जुड़ी खबर देंगे। बता दें कि एनिमल फिल्म में एक दमदार आइटम सॉन्ग होने वाला है। इस जबरदस्त आइटम सॉन्ग की शूटिंग कंप्लीट भी हो गई है। वैसे बता दें कि बॉलीवुड की कुछ फिल्मों को छोड़कर अब ये एक कॉमन सा हो गया है कि सभी फिल्मों में एक सॉन्ग आइटम सॉन्ग होगा ही। खैर दोस्तों, एनिमल फिल्म के इस आइटम सॉन्ग की शूटिंग को मुंबई के फिल्म सिटी में शूट किया गया है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इस आइटम सॉन्ग में बॉलीवुड की बड़ी अदाकारा रणबीर के साथ डांस करती नजर आएंगी, लेकिन वो हीरोइन कौन है इस बात का खुलासा अभी तक मेकर्स ने नहीं किया है। रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना स्टारर ये फिल्म 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वर्क फ्रंट की बात करें तो रणबीर कपूर की अभी 9 सितंबर को फिल्म ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने पहले वीकेंड में ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म में रणबीर और उनकी पत्नी आलिया भट्ट के अलावा अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और मौनी रॉय भी नजर आई थी। इसके अलावा रणबीर लव रंजन की फिल्म में भी दिखाई देने वाले हैं। रश्मिका मंदाना की बात करें तो वो अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा द राइस में उनके अपोजिट थी। ये फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और अब इस फिल्म का सीक्वल पुष्पा द रूल बनाया जा रहा है। इस फिल्म में वो दिखाई देंगी। फिल्म का टाइटल पुष्पा द रूल रखा गया है। इसके अलावा वो सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ भी एक फिल्म में नजर आएंगी। बता दें कि अभी वो अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म गुडबाय में नजर आ रही है। ये फिल्म 7 अक्टूबर को ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई है।